हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक। नो चाइल्ड बैन प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पर हमारी ऑसम टीम काफी शानदार, जबरदस्त और फाड़ू प्रिपरेशन करवा रही है आप सभी को। तो बेटा, आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, और न्यू लेक्चर जो होने वाला है आपका वो है लेक्चर नंबर 8, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसमें लेक्चर नंबर 8 के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कशन होने वाला है, और इस लेक्चर में काफी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में आप डिस्कशन करने वाले हो। तो फटाफट से आ जाओ मेरे साथ, शुरू हो जाओ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल जरूरी है बेटा। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में आप NTSC, NSC, GS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 8 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स है बेटा, उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफ़ी शानदार ज़बरदस्त टीम है जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ जो है ना बेटा, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। तो ये फैकल्टीज़ जो आपको नोट्स कवर करवा रही है ना, उन्हें अच्छे से पढ़ो, उन्हें का अच्छे से केयर करो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल इन फैकल्टीज़ के नोट्स ही रहने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहो, अपने जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स आप वन बाय वन क्लियर करते रहो। ओके बेटा, क्लियर है? चलो मेनली बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर बेटा। इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपके पास टेलीग्राम का। किसका ऑप्शन है बेटा? टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप वहां पर DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू कर पाओगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर बेटा आप देखोगे वहां पर कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। इन सब के लिए हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb06। क्लास 7 का आपका कोड रहने वाला है t.me/ttb07। क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10 है बेटा, तो क्लास 10 का आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा t.me/ttb010। आपको क्या करना होगा? ये कोड अप्लाई करना होगा, DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना है। स्टार्ट कीजिए फटाफट से और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए, इससे आपको हमारे स्टडी मटेरियल का एनालिसिस भी होगा। ओके, क्लियर है बेटा? एनालिसिस काफ़ी इजीली आप कर पाओगे अदर स्टडी मटेरियल से। ओके बेटा, तो चलो इसके अलावा अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो ये रही आपके सामने स्क्रीन पर, www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे बेटा, तो आप वहाँ पर देखोगे कि हमने काफ़ी सारे पैकेजेस वहाँ पर दिए हुए हैं आपको। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लास 10th में हो तो आपको क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर मैंने आपको क्लास 6 के कुछ डेमोज दिए हुए हैं। इन डेमोज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको इस पैकेज में क्या क्या मिल रहा है, इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। इसका जो कॉस्टिंग प्राइस है बेटा 9000 रुपीज़ है। ये देखिए, इस 9000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिल रहा है? कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक सैंपल पेपर, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, आप सीधा पहुंचोगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके बेटा, क्लियर है? फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन 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 मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, टेस्ट सीरीज का एक अच्छा सा ऑप्शन। उस टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा टेस्ट सीरीज वाला पैकेज परचेज करना होगा। ओके, तो इसमें आपको बेटा पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, बाई वीकली क्विजेस, तीनों ही चीज़ें मिलने वाली है ओनली ऑन 3500 रुपीज़ में। तो फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आ जाओ। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो बेटा, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। कितने का डिस्काउंट मिलने वाला है बेटा? 30% का यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट से 30% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा। कूपन कोड रहने वाला है आपका LSLIVE। क्या रहने वाला है बेटा? LSLIVE। ये इतना अच्छा कोड है बेटा कि ये कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट जो पैकेज है आपका, उसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000 रुपीज़। कितना है बेटा? 9000 रुपीज़। ओके, क्लियर है? तो यहाँ से आपको 30% डिस्काउंट, मतलब हो गया आपका 2700 रुपीज़ का आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, डिडक्शन। तो फाइनली ये पूरा पैकेज आपको ओनली ऑन 6000
300 रुपीज़ में मिलेगा। कितने में मिलेगा बेटा? 6,300 रुपीज़ में। तो बाय पैकेज पर आप क्लिक कीजिए, सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आ जाइए। जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट करके हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? चलो, यही कोड जो है आपका वो टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। टेस्ट सीरीज पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप ये कोड यूज करोगे LS Live। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। टेस्ट सीरीज जैसे आपका कॉस्टिंग प्राइस है आप देख पा रहे हो 3,500 रुपीज़, तो 30% डिस्काउंट मतलब कि ये टेस्ट सीरीज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगी। ओके, क्लियर है? तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए, सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचेंगे। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज गिवन है और उन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। ओके, इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है ना, तो छोटू सा नंबर दिया हुआ है 9549041111, लेकिन ये छोटा सा नंबर आपके बड़ी बट से बड़ी प्रॉब्लम जितनी भी होगी ना सबको सॉल्व करेगा। ओके, तो इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। चलो बेटा, अब मेनली टाइम आता है किसका? कार्डिनल प्रॉमिस करने का, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कार्डिनल प्रॉमिस जरूर करते हैं। तो चलो मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हैं, से आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना। ओके बेटा, तो ये है लेक्चर नंबर 8 आपका। लेक्चर नंबर 8 काफ़ी शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है आपका। अगर हम लेक्चर 1 to 7 की बात करते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो आपका चैप्टर था उसमें हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इन सारे लेक्चर्स में हमने सॉल्विंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया। सॉल्विंग मेथड्स में हमने 2 टाइप्स के मेथड्स के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट था हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड इज एल्जेब्रिकली मेथड। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड को आपने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, 3 केसेस जिसमें हम बोल सकते हैं। फर्स्ट, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 equal इंटरसेक्टिंग लाइन, a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 इक्वल पैरेलल लाइन, a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2 को इंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई, समझ में आ गया ना? तो तीनों ही केस हम स्टडी कर चुके हैं 1 by 1 और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने सेकंड मेथड के बारे में डिस्कशन किया जिसमें हमने लेक्चर 6 और 7 के बारे में हमने पूरा उन्हें ही अच्छे से पढ़ा है। लेक्चर 6 और 7 में आपने एल्जेब्रिकली मेथड के बारे में डिस्कशन किया। एल्जेब्रिकली मेथड को भी आपने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज इलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप अच्छे से समझ चुके हैं, अब सेकंड मेथड की बारी आती है और सेकंड मेथड रहने वाला है आपका इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं? कोफिशियंट को इक्वल करके इलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? कोफिशियंट को इक्वल करके इलिमिनेट कर देते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, चले हम आगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं आज के आपके लेक्चर के। मेनली हम आते हैं हमारे लेक्चर पर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंपेयर करके समझो, काफ़ी इजीली आपको समझ में आएगा। देखो, आपका जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हमें क्या करना है? इक्वेट करना है, यहाँ पर हटाना है, इलिमिनेट करना है। ओके, उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा? उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ स्टेप्स को फॉलो किया था, मतलब कि एल्गोरिदम को आपने फॉलो किया था, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। ओके, क्लियर है बेटा? तो आपका मेथड आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, सेकंड मेथड है ये। अब इसके लिए जो हमारी एल्गोरिदम है ना वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। एल्गोरिदम की अगर आपको ये स्टेप्स समझ में आ जाती है ना, तो इन स्टेप्स के थ्रू आप हर एक क्वेश्चन को काफ़ी ईजीली और एकदम नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो फटाफट से आ जाओ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑप्टेन द 2 इक्वेशंस। हमारे पास 2 इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि a1x + b1y = c एंड a2x + b2y = c2। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो, अब आपके पास ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखिए, कोफिशियंट ऑफ y b1, कोफिशियंट ऑफ y b2, कोफिशियंट ऑफ x a1, कोफिशियंट ऑफ a
सॉरी एक्स ए टू दोनों इक्वेशन के लिए यहां पर कोफिशियंट ए वन बी वन है, यहां पर ए टू बी टू है, ओके क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहां पर इनके कोफिशियंट को इक्वल करके इलिमिनेट करना है। तो इसके लिए देखो आप सेकंड इक्वेशन स्टेप, मल्टीप्लाई द इक्वेशन सो एज टू मेक द कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल टू बी इलिमिनेटेड इक्वल। आपको क्या करना है, इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट को आप इक्वल कर दो, या तो इसके वेरिएबल को इसके इक्वल कर दो, या इसके वेरिएबल को इसके इक्वल, या वाई वेरिएबल ले लो, ओके जिसे भी चाहे आप उसे इक्वल कर दो आपके अकॉर्डिंग। एड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑब्टेन इन स्टेप सेकंड असेंडिंग इज द टर्म्स हैविंग द सेम कॉफिशेंट आर ऑफ अपोजिट्स और ऑफ द सेम साइन। जब आप कॉफिशेंट्स को इक्वल कर देते हो, तो कॉफिशेंट को इक्वल करने पर आप क्या देखते हो, यहाँ पर हमें जब इनके कॉफिशेंट इक्वल मिलेंगे तो हमें इन इक्वेशंस को या तो सप्रेक्ट करना है या ऐड करना है। ऐड करें या सप्रेक्ट करें डिपेंड हमारे ऊपर करता है, ओके क्लियर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसे ऐड करना है या सप्रेक्ट करना है, क्योंकि हमें मेनली यहाँ पर किसी भी एक कॉफिशेंट को कैंसिल करना है, वेरिएबल के कोफिशियंट को इक्वल करके कैंसिल करना है, ताकि हम वहां पर वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बना पाए। वन वेरिएबल वाली इक्वेशन जैसे ही आपको मिलेगी, तो उस वन वेरिएबल वाली इक्वेशन से आप क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल की इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करोगे, और उस वैल्यू को आप अगर इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करते हो तो आपको सेकंड वेरिएबल की फाइंड हो जाएगी वैल्यू, ओके। और यही प्रोसेस हमको फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, फटाफट से आप इन स्टेप्स को नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं हम आगे, ओके वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देना है, फिर वेरिएबल को इक्वल करना है, मतलब कि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को, और इक्वल करने के बाद आपको उन्हें ऐड करना है या सेपरेट करना है, डिपेंड आप पर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ओके क्लियर है। वहां से आपको वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलेगी, उससे आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लो, और उस वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक में पुट कर दो, तो आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ओके। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। चले बेटा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बेटा मैं आपको क्लियर ये भी कर देता हूँ कि कॉफिशेंट्स को इक्वेट तो हम कर रहे हैं, इक्वेटिंग इलिमिनेट तो कर ही रहे हैं, मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कॉफिशेंट आपको पता है, लेकिन इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ फाइव टाइप्स है। कितने टाइप्स है बेटा, फाइव टाइप्स, मतलब कि इस टॉपिक में हम मेनली इन फाइव टाइप्स को कवर करने वाले हैं, ओके क्लियर है। इन फाइव टाइप्स के ही आपके पास इस टॉपिक में क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये फाइव टाइप्स समझ में आ गए तो इनसे रिलेटेड बड़ी से बड़ी वर्ड प्रॉब्लम भी होगी ना आपके पास, तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ओके चलो। फर्स्ट टाइप में हमें दिया हुआ है यहाँ पर सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सेकंड हमें दिया है सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज रेड्यूसिबल टू ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर क्या करना है आपको, रेड्यूसिबल करना है, मतलब कि रेड्यूस करना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पर रेड्यूस करना है आपको। यहाँ पर फ्रैक्शंस फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, आपको उन्हें पहले तो एकदम ईजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एकदम छोटा फॉर्म में बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है, ओके। थर्ड है हमारे पास ऑन सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके। फिफ्थ है हमारे पास जब इक्वेशंस इस फॉर्म में हो तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जीरो कर लो, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, और इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में होगी तब हम क्या करेंगे, ओके। तो मेनली हम इन फाइव टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और इन फाइव टाइप्स को भी हम अलग अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेटा इस लेक्चर में हम मेनली इन दोनों टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ओके। सो प्लीज़ आराम से ईजी फॉर्म में समझना, काफ़ी अच्छे से मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छा आपको लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, बेटर फील करोगे। चलें, चलो फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फर्स्ट टाइप कौन सा है आपके पास, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करोगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये देखोगे कि उस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें कोई मेथड गिवन है या नहीं है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड गिवन हो, इलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो। अगर हमें
कोई मेथड गिवन नहीं है तो हम हमारे अकॉर्डिंग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हमें मेथड गिवन है तो हमें उसी मेथड से उसे सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ यहाँ पर, फर्स्ट देख लो, फर्स्ट आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है उसे देख लेते हैं हम। सबसे पहले 3x प्लस 2y इक्वल 11, 2x प्लस 3y इक्वल 4। ओके क्लियर है, यहाँ पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। हम दे देते हैं इसे इक्वेशन 1 नेम और इसे दे देते हैं इक्वेशन 2 नेम। अब इस इक्वेशन 1 और 2 में हमने क्या बोला है, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कोफिशियंट को इक्वल करना है। किसे करना है, कोफिशियंट को इक्वल। क्यों, क्योंकि जब कोफिशियंट इक्वल होंगे तभी तो वो आपस में इलिमिनेट होंगे, वरना नहीं होंगे। या तो आप x के कोफिशियंट को करो या y के कोफिशियंट को करो, डिपेंड आप पर करता है। बेटा यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ x है आपके पास 3, यहाँ कोफिशियंट ऑफ x है आपके पास 2, कोफिशियंट ऑफ y आपके पास 2, कोफिशियंट ऑफ y आपके पास यहाँ पर 3। क्लियर है, अब आपको x लेना है या y लेना है डिपेंड आप पर करता है, जो आपको बेटर लगता है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर y को लेना चाहता हूँ। ओके देखो, y कोफिशियंट ऑफ y इक्वेशन 1 में क्या है 2, कोफिशियंट ऑफ y इक्वेशन 2 में क्या है 3। बेटा इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम होता है हमारा 6। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बताना 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 होता है। मतलब कि मुझे इस इक्वेशन 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर मुझे 6 मिल जाए, इक्वेशन 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे यहाँ पर 6 मिल जाए। समझ में आया, मतलब जिसको आप इक्वल करना चाह रहे हो ना, जिस कोफिशियंट को, उसका एलसीएम देख लो पहले, तो दोनों इक्वेशन में उसका एलसीएम क्या मिल रहा है। एलसीएम अगर आपको पता चल गया ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये नंबर मिल सकता है, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये एलसीएम मिल रहा है, तो फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके तो दोनों का एलसीएम आता है आपका 6। इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि भाई के यहाँ पर 6 मिल जाए, 3 से। यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको यहाँ पर 6 मिल जाए, 2 से। ओके तो चलो आ जाओ फटाफट से सॉल्व कर देते हैं हम। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इंटू 2, या आप लिख दो इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय, सॉरी इसको आप 2 से करो और फर्स्ट को आप 3 से करो, क्योंकि 6 चाहिए ना, तो चेंज कर दो। इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके चलो, इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपके 9x प्लस 6y इक्वल 11 इंटू 3 33। ओके आ जाओ फटाफट से यहाँ पर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो आप। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4x प्लस 6y इक्वल 8। ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसे ऐड करेंगे या इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो वेरिएबल इलिमिनेट होगा ना, तभी तो कोफिशियंट आपस में इलिमिनेट होंगे। तो आ जाओ क्या करें हम यहाँ पर, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, 3 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये है आपके पास 9x प्लस 6y इक्वल 33, और यहाँ है आपके पास 4x प्लस 6y इक्वल 8। बेटा ये हो जाएगा माइनस, ये होगा माइनस और ये होगा माइनस। फाइनली 6y से 6y कैंसिल, 9x में से 4x को सेपरेट किया क्या मिला आपको, 5x, 33 में से 8 को सेपरेट किया क्या मिला आपको, 25, तो 5x इक्वल 25। ये देखो आपकी स्टेप 4 आ गई, आपको वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिल गई, मिल गई ना। अब वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, तो यहाँ से x इक्वल क्या करोगे, 25 अपॉन 5। फाइनली x इक्वल मिलेगा हमें यहाँ से 5, क्या मिलेगा बेटा, 5। अब ये जो वेरिएबल आपको 5 मिला, मतलब कि x की वैल्यू जो आपको 5 मिली है, इस वैल्यू को आप चाहो तो यहाँ पुट करो, आप चाहो तो यहाँ पुट करो, डिपेंड आप पर करता है। आप चाहो तो यहाँ पुट करो, आप चाहो तो यहाँ पुट करो, जहाँ पर भी आप पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके पुट x इक्वल 5 इन इक्वेशन, कहाँ पुट करें हम,
इसे पुट कर देते हैं हम इक्वेशन थ्री में, ये लीजिए ओके। तो फाइनली इक्वेशन थ्री क्या है हमारे पास, 9x प्लस 6y इक्वल 33। तो ये होगा बेटा 9 इंटू 5 प्लस 6y इक्वल 33। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपके पास 45 प्लस 6y इक्वल 33। इस 45 को ट्रांसफ़र कर दो उधर, तो 6y इक्वल 33 माइनस 45, तो 6y इक्वल यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है फटाफट से बता दो। 12, 33 में से 45 को मल्टीप्लाई किया तो सबट्रैक्ट किया तो 12, लेकिन सबट्रैक्ट करना है ना तो माइनस आएगा, क्योंकि छोटा नंबर और बड़ा नंबर, छोटे में से जब भी बड़े को सबट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या होता है, साइन किसका आता है, जिसको बड़े नंबर का ही आता है ना, तो बड़े नंबर का साइन क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएगा। तो ये मिला आपको 6y इक्वल माइनस 12, मतलब कि y इक्वल माइनस 12 अपॉन 6। y की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड होती है माइनस 2 और x की वैल्यू आपको फाइंड होती है 5। ओके क्लियर है। देखो अब आ जाओ, मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, स्टेप वन इक्वेशन वन और टू नेम दे दो। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वेरिएबल्स को इक्वल कर दो, मतलब कि वेरिएबल के जो कॉफिशेंट्स है उनको इक्वल करो, ताकि वेरिएबल को हम इलिमिनेट कर पाएँ, फाइनली हमें वन वेरिएबल मिल पाए। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन टू को हमने टू से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमें वाई के प्लेस पर यहाँ पर वाई का कॉफिशेंट सिक्स चाहिए और यहाँ पर भी सिक्स चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि टू और थ्री का जो एलसीएम होता है वो होता है सिक्स। ओके फाइनली हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जब सबट्रैक्ट किया थ्री और फोर को, तो हमें 5x इक्वल मिलता है 25, मतलब कि वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है हमें 5, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थ्री में, तो y की वैल्यू फाइंड होती है हमें माइनस 2। ओके फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट बेटा फटाफट, जल्दी 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 चले आगे, हो गया नोट, चलो बहुत बढ़िया आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू भी फर्स्ट टाइप का ही आपके पास। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। यहां पर भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, आ जाओ फटाफट से दोनों इक्वेशन लिख लो। 8x प्लस 5y इक्वल 9, 3x प्लस 2y इक्वल 4। क्या करोगे फटाफट बताओ, क्या करोगे, इनके कोफिशेंट को इक्वल करोगे, या तो इन दोनों के कोफिशेंट को इक्वल करो या इन दोनों के कोफिशेंट को इक्वल करो। देखो अगर हम यहाँ पर y लेते हैं तो 5 और 2 का एलसीएम आता है हमारे पास 10, तो 10 यहाँ हमें 10 कब मिलेगा, यहाँ 10 मिलता है हमें जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमें 10 कब मिलेगा, यहाँ 10 मिल ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि बेटा देखो 2 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, मतलब कि यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो। ओके और अगर आप इसको देखते हो x को यहाँ पर, तो x की कंडीशन में क्या है, 8 और 3 का एलसीएम होता है 24, 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 24 मिलता है, 3 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 24 मिलता है। मतलब कि हम इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं x वेरिएबल से, पहले वाला वाई से किया है, इसको हम एक्स से कर देते हैं, ताकि आपकी दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स होगी, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके आ जाओ फटाफट से, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, ओके इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाय एट। ओके क्लियर, आ जाओ फटाक से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो थ्री से, तो 24x प्लस 15y इक्वल 27। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन थ्री मिलती है आपको। इसे मल्टीप्लाई करो 8 से, क्योंकि यहाँ पर भी तो 24 चाहिए ना, इन दोनों का एलसीएम क्या है 24 है, 24 कब मिलेगा, जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर 24x प्लस 16y इक्वल 32, इक्वेशन 4। अब आपके पास इक्वेशन 3 और 4 मिल चुकी है, क्या करना है आपको, या तो इन्हें ऐड करना है या इन्हें सबट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ओके क्लियर है,
तो आ जाओ, 3 क्या है आपके पास, 24x प्लस 15y इक्वल 27, 24x प्लस 16y इक्वल 32। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये तीनों प्लस के हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो भैया कैंसिल हो गए, प्लस का 15x माइनस का 16y, क्या बचा, क्या मिला, माइनस के 5y मिले सर। यहाँ से प्लस का 27 माइनस का 32, सर माइनस का 5 ही मिलेगा यहाँ से, यही मिलेगा ना। आ जाओ y, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, तो फाइनली यहाँ पर आपको y की वैल्यू फाइंड होती है 1, क्या फाइंड होती है 1। अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू को पुट करना है। कहाँ पुट करेंगे, या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, मर्जी आपकी, सॉल्व कीजिए मजे से, क्लियर, ठीक है। पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन 3 में ही पुट कर देते हम, है ना। तो ये हो जाएगी 3 इक्वेशन आपकी, 24x प्लस 15y इक्वल 27, क्लियर। अब देखो 24x प्लस 15y की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, y की वैल्यू को फाइंड किया 5, तो ये 5 इक्वल 27, तो 24x प्लस 75 इक्वल 27, तो 24x इक्वल 27 माइनस 75, ओके क्लियर। 24x, 15 में से 7 गए, क्या बचेंगे 8, 6 रह गए, 6 में से 2 गए तो 4, लेकिन माइनस के, क्योंकि 24 में से 27 में से 75 को माइनस कर रहे हो। तो बेटा यहाँ पर देखो x इक्वल माइनस 48 अपॉन 24, कट हो गया ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू फाइंड होती है माइनस 2, क्या फाइंड होती है माइनस 2, और y की वैल्यू क्या फाइंड होती है, y की वैल्यू फाइंड होती है 5, क्लियर है। हमने पहले y की वैल्यू को फाइंड किया, फिर x की वैल्यू को फाइंड किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले x की वैल्यू को फाइंड किया फिर y की वैल्यू को फाइंड किया, ओके। फटाक से नोट करो, काफ़ी इजीली आपको समझ में आया होगा आई होप। कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन के सिर्फ कोफिशियंट्स को अगर आपने इक्वल कर दिया, उसके बाद तो आपको प्लस माइनस करना आना चाहिए, अगर वो आता है इजीली सॉल्व है। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पी लेता हूं मैं तब तक, जल्दी से बिना देर के जल्दी करो। चले बेटा आगे, चलिए फटाफट से, हो गया नोट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी बेटा टाइप फर्स्ट का ही है, टाइप फर्स्ट है हमारे पास, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो अभी तक जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल रही थी ना बेटा, वो किस फॉर्म में मिल रही थी, वो सारी आपको एक नॉर्मल फॉर्म में मिल रही थी, लेकिन यहाँ हमारे पास फ्रैक्शंस फॉर्म में। अब फ्रैक्शंस फॉर्म में जब हमें मिलती है तो हमें क्या करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमें काफी अच्छे से समझना है, है ना बेटा। x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल 15। तो पहले इसका इजी फॉर्म बनाओ, तो बेटा यहां से x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल 15, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो 15 में से ये अगर हम इस 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इक्वल 14, ओके। चलो इक्वेशन 1 हो गई है, तो अब इक्वेशन 2 को देख लो। इक्वेशन 2 है आपके पास x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इक्वल 15, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब बेटा क्या करोगे, क्या करोगे भैया, इनको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, और सिंपल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करोगे, जब आप इनका एलसीएम लोगे। तो फटाफट से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग एलसीएम क्या आएगा हमारा, 10। 10 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में, 1 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही मिलेगा, प्लस 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, 2 को आप y से मल्टीप्लाई करो 2y इक्वल 14,
तो यहां से एक्स प्लस टू वाई इक्वल 140 मिलेगा। अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 140 तो मिलेगा। ये लो इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन टू को भी देख लो। फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग दोनों का एलसीएम 24। भाई 8 और 6 का एलसीएम 24 ही तो होता है यार, डायरेक्ट देख लो ना, 2 4 3 4 3 12 24। ओके क्लियर है? अब ये मत पूछना कि सर ये 24 कहां से लिख दिया, बता दिया मैंने आपको सॉल्व करके 24 कहां से लिखा है। क्लियर? अब देखो 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 3x प्लस 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। 4 को मल्टीप्लाई कर दो y से तो 4y इक्वल 15। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, वापस से यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि अपॉन में 1 कर देंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15 और 24 को, 15 इंटू 24। मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये स्टेप लाए कहाँ से, ठीक है ना? तो फटाफट से देखते जाओ, 3x प्लस 4y इक्वल 15, 4 था 60 का 0 कैरी गया 6, 15 टू था 30, 360। ये लो आपकी हो गई इक्वेशन 4। अब आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा काम करना है कि इक्वेशन 3 और 4 को हम कोफिशियंट को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। तो बेटा देखो यहाँ x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। 4 और 2 मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 4y मिल जाएगा यहाँ पर भी। तो कर दो फटाफट से मल्टीप्लाई, इक्वेशन थर्ड बाय 2, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 को, सॉरी इक्वेशन थर्ड को 2 से। तो इक्वेशन थर्ड कौन सी आपके पास, x, तो x को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 2y को आप 4 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y, 140 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280। ये हो गए आपके पास इक्वेशन 5। ओके बेटा देखो अब यहाँ भी 4y आ गया, यहाँ भी 4y, 3x, मतलब कि एक वेरिएबल तो कैंसिल हो गया यहाँ से, सबसे अच्छा काम है। आ जाओ अब तो बहुत इजी हो गया, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 है, सॉरी यहाँ इसको 4 करो क्योंकि ये 4 दिया हुआ है ना आपने नेम इसको, तो इसको 4 कन्वर्ट कर दो। ये लो माइनस कर दो, 3x प्लस 4y इक्वल 360, 2x प्लस 4y इक्वल 280। आ जाओ समझ लो, माइनस 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 क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल। क्या बचे, 3x में से 2x को सेपरेट किया तो x, 360 में से 280 को सबट्रैक्ट किया तो 80। फाइनली 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 x की वैल्यू फाइंड होती है हमें 80। अब इस x की वैल्यू को या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो और सॉल्व कर लो। तो इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड में पुट x इक्वल 80 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, इक्वेशन 3 x प्लस 2y इक्वल 140, x प्लस 2y इक्वल 140। ओके क्लियर है? चलो x की वैल्यू क्या है, 80 प्लस 2y इक्वल 140। क्लियर? 2y इक्वल इसे ट्रांसफर कर दो उधर, 140 माइनस 80, 2y इक्वल 60। फाइनली y इक्वल 60 अपॉन 2, y की वैल्यू फाइंड होती हमें 30 और x की वैल्यू को हमने फाइंड किया 80। ये लो आपके पास दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू है, x और y। ओके क्या किया हमने, सबसे पहले ये देखो, यह हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थी, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले तो हमने इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया। इजी फॉर्म में जब हमने इन्हें कन्वर्ट किया तो हमने वहां पर देखा क्या, देखा
कि इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर ही हमें इनका आंसर मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो इक्वेशन 3 और 4 मिला। इक्वेशन 3 और 4 में हमने इनके कॉफिशेंट मतलब कि वेरिएबल जो वाई था उसके कॉफिशेंट को इक्वल किया ताकि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए और बाकी सेकंड वेरिएबल की अगर हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी उसे हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके क्लियर है, समझ में आया, फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें आगे आ जाओ। अब आते हैं हम टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड भी काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। टाइप सेकंड जो सेकंड है आपको इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आने वाले हैं कंफ्यूज करने के लिए। सेकंड टाइप में आपको क्या दिया है, आपको रेड्यूस करना है। मतलब कि देखो यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, फ्रैक्शंस फॉर्म को आपको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपल फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो वापस से आपके लिए वही चीज़ हो जाएगी, ये बिल्कुल सेम। ओके तो आ जाओ सॉल्व कर देते हैं इसे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/2x माइनस 1/y इक्वल माइनस 1, 1/x प्लस 1/2y इक्वल 8। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। इक्वेशन 1 दे दें, इक्वेशन 2 दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से अगर हम 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मानते हैं, क्योंकि भाई कब तक हम इन फ्रैक्शंस फॉर्म को लेकर सॉल्व करते जाएंगे। अगर हमें इसका एक छोटा सा फॉर्म मिल जाता है तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन को सॉल्व करना, हर टाइम हमें एलसीएम लेने की तो नीड नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो 1/x को क्या किया आपने, u मान लिया, 1/y को v मान लिया। ओके तो यहाँ से आपको ये मिलेगा 1/x, 1/x को क्या लिया आपने u, और अपॉन में क्या था 2, तो u अपॉन 2 ये लीजिए डायरेक्ट, माइनस v इक्वल माइनस 1, इक्वेशन हो गई है 3। ओके इसी तरह से सेकंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से 1/x इक्वल u और 1/y इक्वल v। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो तो आपको इक्वेशन 2 क्या मिलेगी बेटा, यहाँ से देखो u प्लस v अपॉन 2। ओके क्लियर है, आप चाहो तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लो, यहाँ पर इक्वेशंस नेम मत दो, पहले इनका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो ताकि आपको आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लीजिए यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम आता है 2, तो ये हो जाएगा u माइनस 2v इक्वल माइनस 1। तो फाइनली हमें ये क्या मिलेगी, u माइनस 2v इक्वल माइनस 2। ओके ये इक्वेशन मिली यहाँ से हमें, अब हम दे देते हैं इसे इक्वेशन 3 नेम। चलो इसे भी देख लो यहाँ से फटाफट, इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास बेटा 2, तो ये हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल 8। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा आपके पास 2u प्लस v इक्वल 16, इक्वेशन 4। ओके बेटा क्लियर है, चलें आगे आ जाओ फटाफट से, अब हम चलते हैं आगे। अब एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं 3 और 4 को, u माइनस 2v इक्वल माइनस 2, u माइनस 2v इक्वल माइनस 2, और 4 क्या है 2u प्लस v, 2u प्लस v इक्वल 16। ओके बेटा अब देखो आपके पास यहाँ u है, यहाँ 2u है, यहाँ v है और यहाँ 2v है, मतलब कि किसी भी एक इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2u आ जाएगा, यहाँ 2u रहेगा, यहाँ 2v है तो यहाँ 2v आ जाएगा। मतलब कि हमारे लिए बहुत इजी हो गया कॉन्सेप्ट कि किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट को इक्वल करके हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, आ जाओ कर लेते हैं फिर। तो यहाँ से इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये होगा बेटा आपके पास 2u माइनस 4v, 2u माइनस 4v, क्योंकि 2v को भी तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से,
तो 4 वी इक्वल माइनस 4, ओके क्लियर है इक्वेशन 5। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 5 और इस इक्वेशन 4 दोनों को सेपरेट करना है। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5, तो 2u प्लस वी इक्वल 16, और यहाँ से 2u माइनस 4v इक्वल माइनस 4, ओके क्लियर है। तो बेटा ये तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो हो गया कैंसल। क्या मिला यहाँ से 5v इक्वल ये हो गया 20, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो 16 और 4 कितना हुआ 20। फाइनली आपको यहाँ से मिलता है 5v इक्वल 20, ओके वी की वैल्यू फाइंड कर लो 20 अपॉन 5, तो वी की वैल्यू मिलती है आपको 4, वी की वैल्यू क्या मिलती है 4। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो या तो इस इक्वेशन में ताकि आपको u की वैल्यू फाइंड हो जाए, या आप इस इक्वेशन में, तो यहां से v इक्वल 4 पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हम पुट कर देते हैं, ओके तो देखो फटाफट से 2u प्लस 4 इक्वल 16, 2u इक्वल 16 माइनस 4, 2u इक्वल 12, u इक्वल 12 अपॉन 2 मीन 6। तो फाइनली u की वैल्यू यहां से आपको फाइंड होती है 6 और v की वैल्यू आपको फाइंड होती है 4, ओके अब u और v को आपने क्या लेट किया था, देखो u और v को आपने क्या लेट किया फटाफट से देखो, 1 अपॉन x इक्वल तो था आपका u, 1 अपॉन x इक्वल तो था आपका u, और 1 अपॉन y इक्वल था आपका v, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको यहां से 6, और v की वैल्यू क्या फाइंड हुई आपको यहां से 4, ओके और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x और y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं मिलना चाहिए आपको, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फटाफट देखो यहां पर x की वैल्यू भी आपके पास 0 के इक्वल नहीं है और y की वैल्यू भी आपके 0 के इक्वल नहीं है, ओके क्लियर है, समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई। ये तो 1 अपॉन x इक्वल तो मिल गया आपको 6 और 1 अपॉन y इक्वल मिल गया आपको 4, ओके क्लियर है बेटा, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट देख लो एक बार, एलसीएम लेकर नॉर्मल सॉल्व किया बस, ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व करना इसे। सॉल्व 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 3 अपॉन y, 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इक्वल 1/6 एंड 3 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल 0। तो बेटा यहां पर भी 1 अपॉन x इक्वल मान लो आप u के और 1 अपॉन y इक्वल मान लो आप v के, क्लियर। तो यहां से आप क्या देखोगे, यहां से आप देखते हो कि आपको मिलता है 1 अपॉन x 2u प्लस 3v इक्वल 1 अपॉन 6, यही मिलेगा ना, 1 अपॉन y, 1 अपॉन y को क्या माना है आपने v माना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आ जाओ चलें आगे, या वापस से मैं बताऊं इसको नहीं समझ में आया तो, चलो एकदम इजीली समझा देता हूं, छोड़ो आप परेशान मत हो, कंफ्यूज नहीं होना, बस इजीली समझना है आपको, है ना। देखो इसे इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं नेम और इसे इक्वेशन 2 दे रहा हूं नेम, ओके यहां तक क्लियर। अब मैं इक्वेशन 1 को ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल 1 अपॉन 6, ठीक है बेटा। यहां से क्या करोगे, यहां से आपको क्या करना है, देखो 1 अपॉन एक्स को यू लेट कर लेना, 1 अपॉन वाई को आप लेट करोगे, ये भी आपके पास 2 अपॉन 3 वाई है, थोड़ा सा ध्यान रखो यहां पर, टू अपॉन थ्री वाई, ओके क्लियर। इससे क्या मान लेते हैं हम, वी मान लेते हैं। अब यहां पर देखो 1 इससे क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन एक्स को तो यू माना है अपने, तो ये लो यू,
प्लस 2 अपॉन 3y। 2 अपॉन 3y का मतलब क्या हो गया बेटा, ये तो 2, 1 अपॉन y का मतलब v अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 6। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो पहले इसे सॉल्व कर लो आप। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो बेटा ये हो जाएगा 12u प्लस 12v अपॉन 3 इक्वल 1, तो ये कट हो गया 4 टाइम। तो फाइनली यहाँ से मिलेगा हमें 12u प्लस 4v इक्वल 1। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। क्या नेम दे देते हैं? इक्वेशन 3। ओके, अब यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, और ये कंडीशन। ओके चलो अब हम बात करते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 है आपके पास 3 इंटू 1 अपॉन x, लिख सकते हो ना इसे 3 इंटू 1 अपॉन x लिखोगे तब भी यही मिलेगा। तो 1 अपॉन x को क्या मान रहे हो आप, u, प्लस इसे 2 इंटू 1 अपॉन y, तो 2 इंटू 1 अपॉन y का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू v इक्वल 0। ओके ये हो गई आपके पास बेटा इक्वेशन 4, क्लियर। अब आपके पास यहां पर इक्वेशन 3 भी है, इक्वेशन 4 भी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। देखो इन दोनों में कोफिशियंट को इक्वल करने के लिए यहां पर u का कोफिशियंट है 12, यहां है 3, यहां v का कोफिशियंट है 2 और यहां है 4। अगर हम इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो यहां पर भी 4v हो जाएगा और यहां ऑलरेडी 4v है। ओके तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 6u प्लस 4v इक्वल 0। यहां मिलता है हमें इक्वेशन 5। अब आपको सेपरेट करना है इक्वेशन 5 और किसे, इक्वेशन 3 को, क्लियर, क्योंकि यहां भी 4v है और यहां भी 4v है। तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, फटाफट से सेपरेट कर दो। 5 क्या है आपके पास, 6u प्लस 4v इक्वल 0, और यहां क्या है आपके पास, 12u प्लस 4v इक्वल 1। ओके ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो आपस में कैंसिल। यहां पर बचेगा बेटा आपके पास माइनस 6u और यहां मिलेगा आपको माइनस 1। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस 6u इक्वल माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, u की वैल्यू फाइनली आपको मिलती है 1 अपॉन 6। क्या फाइंड होती है, 1 अपॉन 6। अब इस u की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, या इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, या इक्वेशन 5 में पुट करते हैं, किसी भी आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। हम पुट कर देते हैं यहां पर इक्वेशन 3 में, ठीक है, पुट u इक्वल 1/6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, फटाफट देखो, 12u प्लस 4v इक्वल 1, 12u प्लस 4v इक्वल 1। ओके अब यहां पर देखो 12u की वैल्यू 1 अपॉन 6 प्लस 4v इक्वल 1, ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो फाइनली 2 प्लस 4v इक्वल 1। ओके अब यहां से इस 2 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो 4v इक्वल क्या मिलेगा आपको, 1, तो यहां से v की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन 4, ये माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 4v इक्वल 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4। तो u की वैल्यू आपके पास है 1/6 और v की वैल्यू है आपके पास माइनस 1/4। ओके अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब कि y इक्वल ए एक्स माइनस 4, y इक्वल ए एक्स माइनस 4, y की वैल्यू क्या है, माइनस 1/4 इक्वल ए एक्स एक्स माइनस 4, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, u इक्वल आपने लिखा है 1/x और v इक्वल लिखा है आपने 1/y। ओके तो 1/x, 1/x कितना मिला है आपको, माइनस 1/4, u इक्वल माइनस 1/4। ओके और ये फाइंड होता है आपको
सॉरी ये तो 1/6 है, यू तो 1/6 है ना हमारे पास, इसे कैंसिल करो, ये तो है 1/6 और ये है -1/4। ओके क्लियर है? तो यहां से -y=4, तो ये हो जाएगा y, तो y=-4, y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -4। ठीक है, y की वैल्यू यहां से आपको क्या मिलेगी बेटा, -4, y=-4। क्लियर? और यहां से अगर आप x की वैल्यू की बात करते हो, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू है आपके पास 1/6। 1/6 का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू आपको मिलती है यहां से 6। ओके क्लियर है? अब यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा -4 = 6 × x - 4। ओके क्लियर है? अब फटाफट देखो 6 × a, एक्स की वैल्यू तो 6 है और a प्लेस पर। ओके ये उधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा उधर जाते, तो फाइनली आपको 6 = 0, a = 0, a की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 0। क्लियर है? और आपको यही फाइंड करना था। तो देखो यहां पर आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस आपको गिवन थी, इन इक्वेशंस की हेल्प से आपने क्या किया, यहां पर सबसे पहले इनको एक 1/u और 1/x और 1/y है ना, तो इन्हें u और v की फॉर्म में कन्वर्ट किया। u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इन्हें नॉर्मल, इनके जो कॉफिशियंट्स थे उनको इक्विलेट किया, सब्ट्रैक्ट किया और सॉल्व कर दिया। ओके बेटा एक बार हम इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमने वहां पर भी कुछ ऐसा ही चेंजेस किया था, कहीं हमने गलत इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर दिया। इक्वेशन 4 - 5, इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, ये रही, और 5 क्या है, ये रही। हाँ ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो यहाँ पर देखो आपने सबसे पहले इन्हें लेट कर लिया, क्या लेट किया कि 1/u तो हमारा एक्स है और 1/v हमारा y है, और या फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये देख लो कि 1/x तो हमारा u है और 1/y हमारा v है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो एकदम इजी हो गया हमारे लिए, और हमने सॉल्व कर दिया नॉर्मल कैलकुलेशन की तरह। फटाफट देखो, ओके क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा ये इसका था क्या, इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। चलो अब बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ये सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। चलो 7th क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको फटाफट से। 7th क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आपको क्वेश्चन गिवन है 1/2 × 2x + 3y + 12/7 × 3x - 2y। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। ओके और फिर गिवन है हमें 7/2x + 3y + 4/3x - 2y = 2। ओके अब देखो यहां से 1/2x + 3y, इस पूरे को तो आप मान लेते हो u। ओके और 1/3x - 2y, इस पूरे को मान लेते हो आप y, क्या मानते हो बेटा y। क्लियर है? अब देखो यहां से ये पूरा तो क्या हो गया आपके पास u, तो ये हो जाएगा u/2 + 12/7 v, क्योंकि 1/3 - 2y तो क्या हो गया v मान लिया आपने। ओके क्लियर है? इक्वल 1/2, इसे दे दो आप इक्वेशन 1 नेम, और इसी तरह से 7/ ये हो गया आपका 1/2x + 3y, ये हो गया आपका v, प्लस ये हो जाएगा आपका 4, सॉरी ये u करो और इसे v करो और इसे इक्वलेट कर दो 2 के, तो ये हो गया इक्वल 2। मतलब कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 भी है आपके पास और इक्वेशन 2 भी है। हमने क्या किया, वापस मैं बता रहा हूं आपको, 1/2x + 3y मतलब कि इसे तो मान लिया हमने u, और 1/3x - 2y इसे मान लिया हमने v। ठीक है, तो इसे u और v की फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमने इसे एज इट इज लिख दिया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, या है? फटाफट बताओ, ये हो गया आपका 12v / 7, ये लीजिए।
ओके अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया, इक्वेशन को एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कीजिए और उनके वेरिएबल्स को इक्वल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए कोफिशिएंट आपस में, सॉल्व हो जाएगा आपके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे आप, वन अपॉन एक्स प्लस वाई को यू मान लो, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को वी मान लो। ओके सेम इसमें भी दोनों में एलसीएम लो, सॉल्व करो और इस इक्वेशन पे इक्वलेट कर दो फाइनल में। क्लियर है बेटा। तो ये दोनों मेथड थे आपके आज के लेक्चर में, जिसमें हमने किस तरह से इलिमिनेट करते हैं हम वेरिएबल के कोफिशियंट को वो सीखा है। इससे आगे के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं मेथड्स को। ओके आई होप आपको काफ़ी इजीली समझ में आया होगा और इन क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, ये आपको अगर समझ में आ गए, सॉल्व हो गए, तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको ये समझना कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इलिमिनेशन मेथड्स रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम। ओके बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है ना बेटा। ओके बाय बाय।